प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 5 दिसंबर 2021 शनिवार का दिन है, माशिष माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज से आरंभ हो रही है। और दर्शकों, ये प्रतिपदा तिथि प्रातः 9:28:37 तक रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और 29 डिग्री पर विद्यमान है, इसीलिए आज का लग्नफल और राशिफल मैं चंद्रमा के राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, उसके धनु राशि के प्रवेश करने के बाद की स्थिति को देखते हुए फिर आप लोगों को दूंगा। क्योंकि 29 डिग्री पर चंद्रमा है और वह वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे में आज पूरे दिन फिर धनु राशि का ही प्रभाव हमको देखने को अपने जीवन में मिलेगा। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:48:21 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। दर्शकों, नक्षत्र भी सुबह 7 बजे के बाद में बदल रहा है, यानी कि 7:48 के बाद नक्षत्र बदल रहा है, इसीलिए मूल नक्षत्रों का समावेश भी आज के लग्नफल और राशिफल में अवश्य होगा और उसके स्वामी केतुदेव होते हैं। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है लेकिन चंद्र दर्शन आज कहलाते हैं क्योंकि प्रतिपदा तिथि है। आज का राहु काल 16:14:20 से 17:33:20 तक रहेगा और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:38 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, जो भी आज रत्न धारण करना चाहते हैं वह आज सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। प्रातः 9 से 9:15 के बीच में अपने घर के मंदिर में ही सूर्य देव के मंत्र का जाप करके या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मैं आपको धारण कर रहा हूं, कृपया अपने शुभ फल प्रदान करें। और उसके पश्चात माणक को अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लें। लेकिन दर्शकों, एक चीज को आपको ध्यान रखना है, माणक कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता है। आज के दैनिक उपाय के अंदर दर्शकों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आज बुध आदित्य योग के समान का दिन है, इसीलिए आज सूर्य को जल अर्पित करें और 5 बार ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करिए। आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और दर्शकों, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, चाहे फिर आपका कोई भी लग्न और कोई भी राशि क्यों ना हो। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको बुध आदित्य योग के संदर्भ में ही एक विशेष जानकारी भी अवश्य दूंगा। दर्शकों, बुध आदित्य योग का मतलब ही होता है बुध यानी बुध ग्रह और आदित्य यानी सूर्य। और इन दोनों का जब एक राशि में मिलन होता है या एक राशि में विद्यमान होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि सूर्य और बुध लगभग एक घर आगे या एक घर पीछे या समान घर में ही रहते हैं, इससे ज्यादा की दूरी इनमें नहीं बनती है। ऐसे में बुध आदित्य योग का मतलब यह होता है कि बुध यानी बुद्धि का कारक, आदित्य यानी तेजस्वी और ओजस्वी, यानी आपकी बुद्धि का मैच्योर होना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना और अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग करने की ताकत व्यक्ति के अंदर होना, यह बुध आदित्य योग का विशेष प्रभाव है। लेकिन हर लग्न के जातक के लिए यह योग शुभ फलदायी नहीं होता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध और सूर्य दोनों योग कारक हैं तो यह योग आपके लिए बहुत बड़े अच्छे परिणाम आपके लिए अवश्य लेकर आएगा। लेकिन यदि यह मान लीजिए बुध और सूर्य दोनों ही आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं तो ये योग आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और यदि एक ग्रह अच्छा है दूसरा खराब है तो फिर आपको इस योग के आधे ही फल देखने को मिलेंगे। यानी अगर बुध अच्छा है और बुध की दशा आएगी तो आपको बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सूर्य खराब है और सूर्य की दशा आएगी तो आपको सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे में मेष लग्न के लिए भी ये योग पूरी तरह से सही नहीं होता है, केवल 50% ही उसको फल अच्छे मिलेंगे। वृषभ लग्न के अंदर
ये योग पूरी तरह से उनको अच्छे रिजल्ट देने की ताकत रखता है। मिथुन में 50% ही रिजल्ट मिलेंगे, कर्क में 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। दर्शकों, एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जो हर लग्न के लिए कुछ अलग तरह के फल देता है। इसीलिए मैंने आज आपको ज्ञान गंगा के अंदर ये बताया है कि इस योग के बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये योग आपके लिए 50% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है या 100% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है या 100% नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। इसको यदि आप जब समझेंगे तभी आप इस योग के संदर्भ में पूरे अच्छे परिणाम ले पाएंगे। दर्शकों, आज नक्षत्र से चंद्रमा का दूसरे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:01 और 24 सेकंड पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है और केतु देव भी विद्यमान है। आज 5 ग्रहों की युति इस घर में बनी हुई है। धनु राशि के अंदर शुक्र है, मकर राशि में शनि है, कुंभ राशि में बृहस्पति है और वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर जरूर रहेगा क्योंकि भाग्य का साथ आज आपको मिल रहा है, लेकिन बुध के कारण से कार्य के आरंभ में कुछ रुकावटें परेशानी भी अवश्य आएंगी। आज स्किन से संबंधित कुछ परेशानी आपको रह सकती है तथा जो यात्रा आप कर रहे हैं उसके परिणाम आपके पक्ष में ना आए बल्कि उन यात्राओं से आज आपको थोड़ी पीड़ा हो इसकी संभावना बनती है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करने वाला अवश्य बनता है। आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने कार्य को करेंगे भी, डेली सोर्स ऑफ इनकम भी आपको बढ़ोतरी अवश्य महसूस होगी। अविवाहित हैं तो आज कहीं से विवाह के प्रस्ताव आए इसके योग भी बनते हैं, लेकिन मन के अंदर बेचैनी घबराहट भी आज आप अवश्य महसूस करेंगे तथा मन आज आपका एकाग्र नहीं रहेगा, ये स्थिति भी आज अवश्य बनती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज के दिन आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा सा विचलित करने वाला बनता है। अनावश्यक विचारों से आज आप अपने आप को घिरा हुआ अवश्य महसूस करेंगे, लेकिन मित्रों के सहयोग से आज आप अपने हर कार्य को पूर्ण करने में सफल भी अवश्य रहेंगे। बुध के कारण से आज आपको किसी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो इसके योग भी अवश्य बनते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके भाग्य का साथ आपको नहीं दिलवा रहा है तथा संतान से कुछ विरोधाभास आपका हो सकता है, लेकिन इन सबके बाद भी आप मन के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मित्रों का सहयोग आपको खुशी देगा तथा मार्ग की बाधाएं आपकी अवश्य दूर होंगी और आज आप शिवजी की उपासना यदि करते हैं तो विशेष लाभ आपको फिर आज अवश्य होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। जो इच्छाएं आप अपने परिवार को लेकर के कर रहे थे उसके पूरे होने के योग बनेंगे। धन आगमन भी सुगम रहेगा तथा संतान से कुछ विरोधाभास यदि चल रहा है तो उसके संदर्भ में भी आपको कुछ स्थायी समाधान अवश्य मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि का बनता है। जिस कार्य में भी आज आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिले इसकी संभावना अवश्य बनती है, लेकिन थोड़ी सी असुविधा का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी सुविधाओं पर ध्यान न देकर के केवल अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए जिस कार्य को भी अपने हाथ में लिया है उस कार्य के परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वाणी का आप सदा व प्रयोग करेंगे और अपनी बात जो आप कह रहे हैं उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ता हुआ आप अवश्य महसूस करेंगे। चंद्रमा के कारण से कार्य की कुशलता भी आज आपके अंदर देखी जाएगी तथा एक साथ कई कार्य को करके अपने पक्ष में परिणाम करने में भी आज आप कामयाब अवश्य होंगे। आज आप अपने कर्म से भी और अपने वचन से भी दोनों तरीके से अच्छे कार्य करेंगे और उसका परिणाम फिर आपको अवश्य अच्छा देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए
आज का दिन थोड़ा सा संयमित तरीके से चलने का अवश्य बनता है। बुध के कारण से थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति आज आपकी क्रिएट हो सकती है, लेकिन वाणी का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप अपने कार्य को अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। आज आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त अवश्य हो जाइए कि वो जो कार्य आप कर रहे हैं उसके परिणामों में किसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। यदि इस चीज को आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर के फिर आज आप अपने दिन को व्यतीत करेंगे तो आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके स्वाभिमान के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी कर रहा है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी अवश्य कर रहा है। आज किसी भी तरह के संकटों से यदि आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे तो भी आप कुछ ऐसा प्रयास अवश्य कर लेंगे जिसके द्वारा वो संकट ज्यादा समय तक आपके सामने टिके हुए नहीं रहेंगे। बुध के कारण से आज आप अपनों का सहयोग लेकर के अपनी हर बाधा को दूर करके अपने पक्ष में अपने कार्यों को करने में सफल भी अवश्य साबित होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बुध के कारण से आज आपकी चिर परिचित अभिलाषाएं भी पूर्ण हो इसके योग बनते हैं तथा कैलकुलेटिव तरीके से आज आप कार्य अवश्य करेंगे। आज कुछ नए सौदे नफे के आपके हाथ लगे इसकी संभावना भी बनती है, लेकिन धन के योग ऐसे बने हुए हैं कि आज कुछ अनावश्यक खर्च आपका हो इसकी संभावना भी बनती है। आज किसी को भी उधार आप ना दें तथा पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से करें, इस बात का आज आपको ध्यान अवश्य रखना। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। कुछ विशेष जिम्मेदारी आज आपको दी जा सकती है, लेकिन चंद्रमा के कारण से आज आपका मन थोड़ा भटका हुआ रहेगा और एकाग्रचित होकर के आज आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आज रविवार का तो दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ कार्य के बोझ को आप अपने ऊपर महसूस अवश्य कर सकते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से आपके कार्य कुशलता में वृद्धि भी अवश्य होगी तथा बुध के कारण से आज आपको विशेष लाभ मिले आपकी मेहनत के इसके योग भी बनते हैं। आज छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं तथा भाग्य भी आज आपका साथ अवश्य देगा। दर्शकों, मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों को मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।